والظالمين أعد لهم عذابا أليما
हजरत आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं। जितनी भी हजरत पेशकारी करेंगे उनसे गुजारिश है कि बराए करम वक्त की नजाकत को देखते हुए दो या तीन ही अशआर सवा पर पड़े ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले, क्योंकि मजलिस ठीक 10 बजे इंशाल्लाह शुरू की जाएगी। आइए, मैं बिना किसी तरीके की गुजारिश कर रहा हूँ अकबर हल्लोनी सलमू से कि माइक पर तशरीफ ले आए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। ज़ैनब ने अपने भाई के
लाशे पे की दुआ या रब किसी गरीब का टूटे नासिरा बहनों की चादर से ना किस्मत को बैर हो या रब हर किरदा के मुहाफिज की खैर हो सारे जवानों की मेरे कत्ल हो गए 18 शेर मौत की गोदी में सो गए मैंने सहे हैं दीन के शैदाइयों के बंद ता उम्र मैं न भूलूंगी दो भाइयों के बंद एक भाई पौधे शाम के नरगे में खो गया और दूसरा फुरात के साहिल पे सो गया या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो ज़ैनब ने अपने भाई के लाशे पे की दुआ ऐ कारवान दौर असीरी ठहर जरा एक शेर सो रहा है लब नहर अलकमा वो नौजवान दिलेर जरे भाई है मेरा मैं लाशे हुसैन से दरिया पे जाऊंगी अब्बास को बंधे हुए बाजू दिखाऊंगी मैं अपना हाल क्या कहूँ शहजादिए रम जब से फुरात पर हुए बाजू मेरे कलम जो जान से अजीज था ठंडा हुआ अलम मुझ पर गुजर रहा है बड़ा ये अजीज दम मैं क्या करूं मुझे बड़ी तकलीफ होती है एक बीबी नंगे सर मेरे लाशे पे रोती है एक बीबी सर नंगे मेरे लाशे पे रोती है पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान मोहम्मद वाले मोहम्मद आइए आजाद कर दी इसके लिए मैं गुलाम अब्बास को अब्बास साहब को आवाज दूं चंद मिसरे मौलाए कायनात के हवाले से और आपसे गुजारिश है कि आप आमादे भी हो जाए कि हैदर की बात जिसकी हर एक बात में रहे हैदर की बात जिसकी हर एक बात में रहे फिर क्यों ना वो हिसारे इबादात में रहे तो इतनी चमक है खाके दरे अहले बैत में इतनी चमक है खाके दरे अहले बैत में सूरज भी चाहता है कि जर्रात में रहे और जिस शेर के लिए आपको जरूरत थी कि सूरज भी चाहता है कि जर्रात में रहे तो जब हो कभी फजाइले हैदर पे गुफ्तगू जब हो कभी फजाइले हैदर पे गुफ्तगू हर आदमी को चाहिए औकात में रहे हर आदमी को चाहिए औकात में रहे तमाम पेशकार हजरात से गुजारिश है कि बराए करम सवाबन पड़े आवाज दे रहा हूँ गुलाम अब्बास हल्लोली साहब के माइक पर तशरीफ ले आए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात एक खैर
बहन की चादर से किए हजरत गुजारिश है कि बराए करम आप लोग खामोश हो जाए। मैं इन दो मिसरों से अगले पेश का हजरत को आवाज देता हूँ कि हुसैन जीत गए ये सबूत है वरना, हुसैन जीत गए ये सबूत है वरना, जुलूस हारने वालों का कब निकलता है, जुलूस हारने वालों का कब निकलता है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मेहदी सुल्तानपुरी साहब से क्यों माइक पे तशरीफ ले आए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। नाना जिंदा की जमीन से खा
गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है मोहम्मद वाले मोहम्मद आइए हजरात बिना किसी तालीम के मैं गुजारिश कर रहा हूँ शबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइक पर तशरीफ ले आए मुंतजमीन से गुजारिश है कि जो लोग चौक पे ऐसे ही खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि उनको हटा दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार मुस्कुराए जख्म काटो को पसीना आ गया सैयद सज्जाद तो हर जुल्म पे चुप है मगर सोच ले जालिम मगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया और एक मतला दो शेर से पढ़ूंगा कि ये शुजाअत का करिश्मा मेरे अब्बास का है आज भी घाट पे कब्जा मेरे अब्बास का है और हैबते हजरते अब्बास को आज एक यजीद तेरी फौजों में भी चर्चा मेरे अब्बास का है और चांद को नूर की जो भीग दिया करता है आले हाशिम ने तेरा मेरे अब्बास का है
जिम में वो चेहरा मेरे या बारिश का है, चांद को नूर की जो भीग दिया करता है, चांद को नूर की जो भीग दिया करता है, आले हाशिम में वो चेहरा मेरे या बाप का है, और मौत के मुंह से मरीजों को बचा लाती है, मौत के मुंह से मरीजों को बचा लाती है, जिंदाओं में वसीला मेरे या बाप का है, जिंदाओं में वसीला मेरे या बाप का है, सरवाना मदीना बाबुल हवाई के हवाले से आप ये सवाल फरमा रहे थे। चार मिसरे के दो शहजादों की कहना न चल रहे लोगों, इधर इरादे अलग हैं, उधर इरादे अलग, तो ये खस खैस के अब्बास ने बताया था, इमाम जादे अलग है हराम जादे अलग। आइए गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद हसन जैदी साहब से कि वो माइक से तशरीफ ले आए और बड़ी इत्तेजारी से काम करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार मातम गमे शब्बीर में जहरा की दुआ है, मातम गमे शब्बीर में जहरा की दुआ है, ये रस्म ने भी दोस्तों ऐलाने वफा है, मातम गमे शब्बीर में जहरा की दुआ है, ये रस्म ने भी दोस्तों ऐलाने वफा है, मातम के मुखालिफ को नमाजी न समझना, मातम के मुखालिफ को नमाजी न समझना, अब्बास का मुजरिम है मुसल्ले पे खड़ा है, अब्बास का मुजरिम है मुसल्ले पे खड़ा है। बाबा दुल्ला नारे सल्ला मौला बात के हवाले से बस चार मिनट। कुल्ले ईमान का पैसर कुल्ले वफा है अब्बास, कुल्ले ईमान का पैसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिले मिलती है जिससे वो पता है अब्बास, मंजिले मिलती है जिससे वो पता है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास, शहर तारीख में ऐसा कोई जरार नहीं, शहर तारीख में ऐसा कोई जरार नहीं, मेहंदी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं, मेहंदी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं, टूटा नेजाई मेरा नहर पे लहराएगा, टूटा नेजाई मेरा नहर पे लहराएगा, चाहे औकात सितमगढ़ की ये बतलाएगा, चाहे औकात सितमगढ़ की ये बतलाएगा, कोई भूले से मेरे सामने कर आएगा, मौत के आने से पहले ही वो मर जाएगा, मौत के आने से पहले ही वो मर जाएगा, फौजे इस्लाम जंगे इस्लाम की तारीख बदल डालूंगा, जंगे इस्लाम की तारीख बदल डालूंगा। मोहम्मद नकी सलम से गुजारिश करो के माइक पे तशरीफ ले आए। कितना प्यारा है कितना भला है अपा, कितना प्यारा है कितना भरा है अब्बास, गोर में नाती की तरह कुरान की बुलाए अब्बास, गोर में नाती की तरह कुरान की बुलाए अब्बास, जब पांचों इमामों ने मिलकर मांगी थी दुआ, जब पांचों इमामों ने मिलकर मांगी थी दुआ, तभी जवानों को जाकर मिला है अब्बास। आपके सामने पेश करता हूँ तब कौन मिला है अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, मेरे अब्बास के बाजू कांटों के कहा था, मेरे अब्बास के बाजू कांटों के कहा था, ये सारे हजरात आप बिल्कुल आमादा है, बस कुछ नारे और मौला मासूर आपके सामने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या
चुके हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अफसर हुसैन साहब किबला। गुजारिश है कि मिलजुल कर एक बुलंद तरीन सलवात से आप उनका इस्तकबाल करें। अल्लाह में अली, मेयार में अली, शराफत में अली, जो
मानता, नू कहता न मानता, इब्राहिम कहता न मानता, मूसा कहता न मानता, ईसा कहता न मानता, उसने कहा, उसने कहा, अब ये न कहना कि मोहम्मद ने कहा, अब ये न कहना कि मोहम्मद ने कहा, इसलिए कि उसकी ज़बान पर वही का पैदा है, जब बोलेगा उसकी मर्जी से बोलेगा, जब वो चलेगा उसकी मर्जी से चलोगा, जब वो उठेगा उसकी मर्जी से उठेगा, जब वो बोलेगा तो पैगंबर, तो पैगंबर ने क्या कहा, यारी भुक्तों का तकवा वे ईमान, नमाज एक तरफ, रोजा एक तरफ, ज़कात एक तरफ, इस्लाम एक तरफ, हसानियत एक तरफ, तूबा एक तरफ, बशरियत एक तरफ, उसूल एक तरफ, किरदार एक तरफ, अपनायत एक तरफ, पढ़ायापन एक तरफ, अली की शराफत अकेली। ये मौलियों के जुमले नहीं है, ये आले मोहम्मद के जुमले हैं।
मुल्लाओं को मुल्लाओं तक माना करो, मस्जिद तक वहीं तक माना करो जहां अकीदत टकराने लगे। तवज्जो तवज्जो तुमने पर, तवज्जो है तुमने पर, याद रखिएगा। है ना समझ में बात आती है या नहीं? आप देखें ये जो दिल बोलता है ना, ये जो दिल बोलता है, ये दिल नहीं बोलता, ये माँ की शराफत बोलती है। माँ की शराफत बोलती है। जितना शरीफ होगा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं किसी को कुछ कहने का आदि नहीं हूँ, पहले मैं अपनी कुर्बान में देखूं फिर दूसरों को बोलूं, लेकिन हम पहचानते ही है कहके आदम कहा नहीं बोला, नूह कहा नहीं बोला, इब्राहिम कहा नहीं बोला, ईसा कहा नहीं बोला, कुरान पढ़ा नहीं बोला, दाऊद बोला नहीं बोला, इंजील पढ़ा नहीं बोला, ज़बूर पढ़ा नहीं बोला, पैगंबर ने कहा ऐसा नहीं बोला था, अली पाक के दे और अपनी मंजिल पर आबाद रहो, शाद रहो। कोई मुझे आके जुमला बता दे, अमामा पहनना छोड़ दूंगा मियां, इतनी सख्त बोलता हूं। या तो अल्लाह से डरता हूं या जिसके रोटी खाता हूं उससे डरता हूं। तवज्जो है तुम्हें पर, अमा जो आले मोहम्मद का ना हुआ तो मिंबर छोड़ के उसके पीछे भागता है। क्या बोले यार, बोला क्या बोला था, मुला सवाल है तो बोला करो। जाने मोहम्मद करा हुआ पहुंचाना तुमने पर। अजीज और याद रखो, ये मजमा ये दस्ता पता है ना, पूरा इस्लाम मुकम्मल है या नहीं? और मैं दो मिनट में अगला समझा देता हूं, दो मिनट में पूरा इस्लाम मुकम्मल है या नहीं। एक जबराइल अकेले है और पूरा इस्लाम अकेले है, एक जबराइल कोई और नहीं, एक अकेला जबराइल। अल्लाह भेजने वाला जबराइल वास्ता, मोहम्मद के आने वाला, बचा कुछ कुछ बचा बताओ ना, मुझे कुछ बताओ। अल्लाह भेजने वाला, जिब्राइल लाने वाला, मोहम्मद पहचाने वाला, मोहम्मद पहचानवाने वाला, बचे कितने? अब ना बोले तो मैं समझूंगा कभी भी नहीं बोलोगे। उधर से भेजने वाला एक, लाने वाला दो, पहुंचाने वाला तीन। आदम आए तीन पर उतर रहा, नूह आए तीन पर उतर रहा, चौथा आए तीन पर उतर रहा, पूरा दीन डूबा रहा। जब पैगंबर ने कहा क्या करूं, गदीर में आदमी कह रहा मगर नबी के दीन में मुकम्मल नहीं होता। पहले पहले अपने जमीन का चिराग जला, पहले अपने ईमान रोशन कर। तवज्जो है ना, लिबास की है, मैं बता दूं पैगाम खुद ही पहुंच जाएगा। ये तो बॉम्बे है, आप यूपी में जाएं, दुनिया के किसी गोशे में जाएं, आए है ये जुमला पैगाम दे रहा हूं मैं अकीदा भरा जवाब देता हूं, चाहे वो मजीयत से हो, चाहे वो गैर मजीयत से हो। मजा भी हमारा ऐसा होता है जिसने इस लिबास को, इस मासूम के लिबास को इतने ऊपर पैमाने पर। अच्छा हम बयान ही ऐसा मसला क्यों करते हैं कि बच्चे हमारे इधर के उधर हो जाए। अरे मर्जियत तो हमने सही ढंग से पहुंचाया नहीं है, अगर हमने पहुंचाया होता ना आज मर्जियत की खाक मेरे सर पर होती।
सकता जो विनायत न जाने। दुनिया में ऐसा बेटा नहीं जनू जो करबला में अब्बास के सामने आया। कोई ऐसी नहीं है बदला लेना मकसद है। बस बस अपनी मन में जुमला 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 देना। बस आखिरी जुमला अब जुमला सुनिए मर्जी के समझा दो आपको। अब लोग बदल होते जा रहे हैं। अरे आप नतीजे से क्यों बदल होते हो? उन अकीदों से बदल हो जिनमें अली नहीं समझता। पूछा ये कुछ यहाँ से कमी करके कम कर ले कुछ वहां से कम कर ले कुछ यहाँ से कमा कर ले कुछ कम करके वहां पहुंचा दे। अपनी कमाई कम करो किसने तुम्हें जिंदा रखा है? सलामत मोहम्मद तेरे अब्बास से।
को बस इस हकीर का एक पैगाम। तवज्जो तवज्जो ना जुमले पर, ये हुसैन के अजादार है, बस आखिरी मंजिल, ये सब हुसैन के अजादार है, इसलिए इनको अपने आलिमों का एहतराम है। अरे आलम बोल दो, अल्लाह को बात नहीं है, बोलो 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 बोलो, ये सब हुसैन के अजादार हैं, ये सब आले मोहम्मद की ज़ैनब की पर्दादार में बैठे हैं, ये सब अली अकबर के जाने वाले हैं, ये इसका लिहाज उसी वक्त तक करते हैं जब ये जब तक ये हुसैन की गुलामी करता है। लेकिन जिन दिन इनको ये पता चल गया, हाय हाय, जिस दिन इनको ये पता चल गया खाता यहां से है, डॉलर अमेरिका से लेता है, बस सहमत तमाम। इतना याद रखना, आज किसके लिए आए, बस एक मुकदमा, 18 बनी हाशिम, 18 बनी हाशिम, एक दो चार मिनट का एक मुकदमा बनाऊंगा ताकि रो ले आप, मुझे शोहदा के तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मुकदमा मैं बयान करूंगा, शबे 28 होते बनाते सुनना और दिल भर के रोना और ये सोच कर रोना, आप दो को पुरसा देना होगा, ज्यादा नाम नहीं लिया मैंने, दो का नाम लिया, एक बूढ़ी माँ है जो 72 का पुरसा देने आई, हक अदा कर दिया आपने, ऐसे ही रोया जाता है जब एक जनाजा घर से निकलता है, संभाले बंदा नहीं संभलता, जहरा के घर से 72 जनाजा, आवाज़ें बुलंद हो, जुमला सुन, जुमला सुन, तारीख जुमला लिखती, तारीख ने जुमला लिखा, आ गई शबे 28, 18 है ना, 18 दहन में रखना और मदीना समझ में रखना, 18 हुसैन ने एक कतार बनाई, मेरी तब देखा, हुसैन ने एक कतार बनाई, अकबर ये तेरा मकाम, हबीब ये तेरा मकाम, कासिम ये तेरा मकाम, ज़ैनब ये तेरी हमारी, उम्मे फरवा ये तेरी हमारी, लैला ये तेरी हमारी, नाफिसा ये तेरी हमारी, 27-28 की रात, आधी रात गुजर चुकी, मुझे ताबून पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, हाय है जो मसाय पढ़ने जा रहा, तुम ना सुनोगे, अच्छा न हुसैन की नजर अमारियों पर पड़ी है, आए हो ना 18 को लेने आए हो ना, तुम ना सुना, अच्छा एक बार तो नजर पड़ी हमारी पर एक मरतबा, अच्छा जुमला सुनना, मेरा दिल ये कहता, मेरी बात सुन लो, समझ में तो रोना, जनाबे इमाम हुसैन ने अमारियों को देखा, अमारियों में सारी बीबियां थी इल्ला ज़ैनब के, बस कैसे पूछा देना आप चलो, सिर्फ ज़ैनब के सारी बीबियां, अच्छा अच्छा भेजा अली अकबर को, अभी पढ़ूंगा, भेजा अली अकबर को, मैं कहता हूं मेरी जुमला सुनी, मेरी बात है, मैंने पढ़ा नहीं, मेरा अकीदा ये कहता है, अली अकबर की जगह मौला सुने गाजी को खोली भेजा, या सीने पर हाथ मारो, मैं कहूंगा मदर, तूने गाजी को खोली भेजा, तो गाजी को इसलिए नहीं भेजा कि कहीं ज़ैनब को किसी हालत में अब्बास ना देख ले, मदीना है मदीना है मदीना है, अपने घर से है, कहीं ज़ैनब को अगर गाली ने किसी हालत में देख लिया तो करबला 61 हिजरी से पहले मदीने के गलियों में हो जाए, हाय अब्बास हाय अब्बास इसने नहीं भेजा, तो देखा और देखने का आदमी जुमला कहा, एक बार उठो एक बार उठो, अकबर उठे, कमरेलाल जाओ मोहल्ले बनी हाशिम, जाओ ज़ैनब को लेके आओ, अली अकबर चले, मर जाओगे आप, ये ताबूत की तुसारत आपको साल भर नसीब हो और होती रहे, मौला इन ताबूतों के सत्य में आपके जवान बचे रहे, आपका घर आबाद रहे, आगे मैं सारे पढ़ूंगा, खाली सुन लो, जल्दी जी सुन लो, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, मैंने मना किया था जब तक मैंने कहूं ताबूत ना निकले, तो जो है जुमले पर अब तारीख ने जुमला लिखा, उसके बाद ये हुआ, बस दो जुमले सुन लो, उसका जनाबी अली अकबर पहुंचे, मेरी तरफ मेरे सारा मनमा अली अकबर पहुंचे, जनाबे ज़ैनब के दरवाजे, जनाबे अब्दुल्ला के दरवाजे, दक्कुल बाप किया लहजा मंदिर देखना, दक्कुल बाप किया दरवाजा खुला, मेरी तरफ
दरवाजा खुला। अब जो दरवाजा खुला था, देखा अली की बेटी जो सवाए मसनद के, तवज्जो तवज्जो तब सवाए मसनद के जमीन पर कभी बैठी ना हो। अरे आगे मदीना से कर्बला नहीं है, सुना सुना में सवाए मसनद के जमीन पर बैठी हुई अली अकबर की पेशानी पर बल आया, चेहरे से पता चला गाजी का भतीजा आया। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? एक मरतबा सैनम ने अपने दाद का चेहरा देखा, बल जाके अकबर बेटा मदीना है जलाल स्नान कर रहा। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हो? तो कहा फिर अम्मा आपने कह दिया, कोई बात मेरी नजर में जैसे मेरा बाबा है वैसे मेरी माँ जैनब है। मैं नहीं कहूंगा अम्मा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अम्मा एक जुमला, अम्मा एक जुमला। कहा क्या पूछा? कहा अम्मा मेरी उम्र कितनी है? ऐसे बसाए सुना तो अम्मा मेरी उम्र कितनी है? जैनब ने सितारों को देखा, जैनब ने आसमान को देखा। अकबर ने कहा बीबी जमीन की तरफ क्यों नहीं देखती? कहा तेरी उम्र की मिसाल साल का। ए अम्मा इंसाफ से बता, हम तुझे खुदा जब से मैंने होश संभाला मैंने तुझे जमीन पर नहीं देखा, मैंने तुझे जमीन पर नहीं देखा। अम्मा जमीन से उड़ जाते हैं, हमें छोड़ जाएगी। अम्मा जमीन से उड़ जाओ, अकबर का तले आ जाओ। ये है अठारह बनी हाशिफ, अब उठ जल्दी उड़ जा, अम्मा मना लिया पर मर जाएगा। जैनब संभालती और क्या को उठी, बेटा तेरी तो क्या ऐलान क्या है, कैसे आना हुआ? अम्मा कल हमें करबला जाना, सुन सकोगे मैं कैसे खड़ा हूं? अम्मा मुझे कल करबला जाना है। अली अकबर इशारा कर रहा था, अम्मा संभाल के सर रख, अम्मा संभाल के चल, ऐसा ही रसन पस्ता होना। अम्मा संभाल के चल, ओ अम्मा कल मुझे करबला जाना है। फिर तो अम्मा बाबा ने कहा जब तक अम्मा नहीं आई तब तक ये काफिला जाएगा नहीं। बाबा ने कहा जब तक खुद की अम्मा ना हो काफिला जाएगा नहीं। फिर क्या राधा बेटा मैं आपको लेने आया, जुमला सुनना। तो कहा बेटा मैं तुझे बोला ना पाइकी बैठी थी अब्दुल्ला, मैं करबला जाने की इजाजत ले रही थी। क्या हुआ अम्मा? शबे 28 है, 18 का मन क्या हुआ? क्या इजाजत मिल गई? अब सुनिए क्या इजाजत मिली। अली अकबर ने कहा अम्मा चल रही हूँ, अब्दुल्ला आगे आ गए। इस्तगबार करना, इस्तगबार करना, इस्तगबार करना। 18 बनी हाशिम, 18 बनी हाशिम, इस हैसियत से ताबूत का इस्तगबार करना जैसे ज़ैनब को उम्मीद थी, जैसे लैला। हाँ पता चलना चाहिए, 18 जवान आ रहे, झंडा क्या गया जैसे अकबर उठे। अम्मा फिर चलो। हाँ बेटा एक काम कर, जनाब अब्दुल्ला खड़े हो, खड़े होने के बाद एक चुनना था बेटा एलियत पर। हाय हाय हाय, बर्दाश्त कर पाओगे? इत्मीनान से रोना और जहां खड़े हो हिल्ला न करो, मुंह चीख मार के रोया करो बहुत तहजीब से, ऐसे लगे तुम्हारा कुछ नहीं बचा, ऐसे लगे समुद्र गया है। तो जब यह आवाज बुलंद होती है ना, समझो रहे समझो रहे समझो रहे, जब यह आवाज बुलंद होती है पहले शाम से 3.5 साल की बच्ची अम्मा जल्दी चल, अम्मा जल्दी चल, अम्मा जल्दी चल। अभी ताबूत खत्म हो रही, तकरीर खत्म होगी, आइया गुफ्तगू के जरिए। समीर साहब खड़े हैं, मुशीर साहब खड़े हैं, पूरा दस्ता खड़ा है, ये सारे मेरे भाई खड़े हैं, हुसैन के अदादार है। एहसास हुआ मौलाना को पानी की जरूरत है, तो यहां से ला रहा है। अभी रोना नहीं आता, फिर वहां से ला रहा है ना। अभी जुलूस खत्म होगा, सर के लिए सारा इंतजाम है, हाथ जोड़ जोड़ पानी पी जाओ, पानी पी जाओ। आखिरी दिन है, पानी उठी लो, आखिरी दिन है, पानी उठी लो, आखिरी दिन है। अरे उससे कोई नहीं पूछता तू पानी कब पीती है, तू कब खाती है।
हाय हुसैन से बस भैया हूं जैनम ने कहा ये बेटा सुनना सुन जैनम ने कहा अब आखिरी जुमला जैनम ने कहा ये अकबर बेटा कुछ कहना चाहते अभी मदीना है जेल में बेटा कुछ कहना चाहते अली अकबर ने हाथों को जोड़ा कदमों को कदम रखा कदमों को सर रखा अम्मा बता क्या होती बेटा तू न जी सब खुदा को मर जाने का मकाम है यार अम्मा बता क्या बात का बेटा तूने मुझे जिस आलम में देखा है इसका जिक्र मेरे भैया के यहां न करना या रब नहीं होते तो कैसे मातम करोगे का जिससे कहना कह लेना लेकिन ये वाकया मेरे अब्बास से न कहना कि जमीन पर बैठी थी अली की बेटी अब्बास से न कहना मर जाएगा मेरा नाती ठीक है अम्मा आपने कह दिया मैं नहीं कहूंगा सुनो आपने देखा खारा बनी हाशिम अब एक जुमला सुनो अब्दुल्ला आगे बढ़े हाथों को जोड़ा ये शहजादा जाते एक बात मेरी सुनता सर सुन मैं अकेले नहीं जैनब के साथ मेरे दो अन्ना मोहम्मद के साथ अकेले नहीं जैनब को अकेले नहीं भेजूंगा अन्ना मोहम्मद को भी भेजूंगा तो फिर बात क्या है क्या कहना चाहते हो अब्दुल्ला ने सर झुकाया शहजादा हाय 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 ये शहजादा मैं कैसे जुमला कहूंगा क्या कहां से यही हो गया अभी तो सब आती जुमला सुनो शहजादा ये मदीना है मोहल्ले बनी हाशिम दूर दूर तक और भी लोग रहते हैं सुन सकोगे दूर दूर तक और भी लोग रहते हैं जिसके सर को कभी आसमान ने नहीं देखा अब्दुल्ला कह रहे अली अकबर से जिसके सर को कभी आसमान ने नहीं देखा का फूफा फिर का चाहते हुसैन से कहे 18 भेजे तब जैनब मातम करो मातम करो का अकेले जैनब को नहीं भेजूंगा मेरी तरफ मुतवज्जो रहना हौसला कर अल्लाह तुम्हें अकबर बाहर निकल अब्बास बाहर निकल कासिम बाहर निकल और मोहम्मद बाहर निकल अली तू क्या तू आ रही है अली की बेटी आ रही इधर धारा बनी हाशिम निकले हुसैन ने तवज्जो हुसैन ने कसम जहां रुक अब्दुल्ला की एक ख्वाहिश पूरी की है लेकिन सज्जाद दूसरी बात न मानना बाबा वो क्या अगर अब्दुल्ला कहे कि 18 के साथ आए तो हाथ छोड़ लेना हाथ छोड़ लेना लोगों ने करबला में जाने लुटाई है जैनब ने नस्ल लुटाई है जैनब ने अपनी नस्ल बर्बाद कर दी ऐसी मातम नहीं हुआ उन्होंने मोहम्मद का करबला में रही खामोश करबला में रही मां खामोश शाम को निकली खामोश ग्यारह मुहर्रम आया खामोश सूफा आया खामोश श्याम आया खामोश दरबार आया खामोश जिंदान से रिहाई मिली खामोश बोली तब कहा नस्ल तो कुर्बान कर चुकी हूँ माँ से महरूम न कर हाय हाय हरी बनाता कहा नस्ल तो कुर्बान कर चुकी हूँ जब किसी ने कहा इसकी माँ मर गई जैसे मरे हैं मां नहीं मरूंगे अब तो मातम कर ले अब तो कर ले मातम करने नहीं क्यों नहीं मातम करती बीबी का कैसे मातम करूं
रोना था सुनना सुनो कैसे मातम करूं क्यों ताकि से चक्की पीस के पाला था उसका मैं तुम कभी जाते देखे का माता मन ने मुसीबत से पाला था अच्छा तारीफ में सुन रहा था आगे जन्म में था एक जुमला सुन हम रोने के लिए जुमला रवाज से रवाज आगे तो पढ़ रहा तो अपना रुखसत हुआ और मोहम्मद का मातम करने की रुखसत हुआ करबला आने से पहले सज्जाद मेरी तरफ देखो तब रोना आगा सज्जाद के हाथ खुले सज्जाद के पैर खुले सज्जाद लेकिन जब मुड़ता है ना तो बहुत आहिस्ता से मुड़ता है यार नहीं समझ आई तो मैं क्या करूं सज्जाद अगर दर्द उठाता है तो बड़ी मुश्किल से उठाता है इसलिए पता है आपको सज्जाद के जो कमर में तवज्जो 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 सज्जाद को जो लंगर पहनाया गया था गर्दन में जो खाने पहनाए गए थे वो ऐसे निकले थे हमारी तरह ऐसे नहीं वो ऐसे निकले थे सज्जाद मुड़ता नहीं था तारीख कहती थी जब जालिम को कुछ कहना होता था जंजीर खींच सारे काफिले को रोका ताकत वाला चहलुम करने जा रही हूँ ना मेरी तरफ सारे चहलुम करने जा रहा हूँ कहा अम्मा अब तक जैसे जो भी कहा मैंने बेटा बन के कहा इमाम बन के नहीं कहा अम्मा ये लेकिन अम्मा इमाम बन के जुमला कह रहा हूँ कहा क्या बेटा कोई ऐसी बात न कहना के जहन न बर्दाश्त न कर सकता अरे हाय हाय है जुमला जुमला तो बेटा बता अम्मा मुझे पता तूने अनु मोहम्मद का मातम नहीं किया समझो अनु मोहम्मद का मातम किया लेकिन अम्मा एक काम करता क्या तो अम्मा जब करबला में हम दाखिल हो ना जितने भी शहीद की कब्र है जितने भी कब्र है सब पर जहां जो चाहे अपने आप को गिरा दे लेकिन अम्मा मेरे अम्मा जब अब्बास की कब्र पे जाना ना जिसकी शिकायत करना है कर लेना लेकिन ये ना कहना सकीना अकेला रोलिया आपने मतलब कर लिया लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये दादा वो जुमला सुनना नहीं समझ में आती तो जुमला कह दो वही जो कि मैंने पढ़ा है उसी को जब दोहरा दूं 18 गए थे जैनब को लेने हुसैन ने 18 से कहा था अकबर को ले ले आओ मुझसे नहीं उठता अरे यार इतने आराम से सुनो मुझसे जवान का लाशा नहीं उठता ए पली माशा ये था अकबर का लाशा रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो कहीं इस बहवारे के पीछे कहीं इस ताबूत के पीछे सुनना अब मुझ में ताकत नहीं आप में ताकत दे अल्लाह हौसला दे एक जुमला ये सब नौजवान ये मेरी माँ है मेरी बहन है मेरे नौजवान मेरे बूढ़े मेरे अजीज सब आए हो ना कल का आखिरी दिन एक बना दो जुमला सुन कल का आखिरी दिन हुसैन को रुख्सत करना तो ये कह के रुख्सत करना मौला वादा करके जा हाय 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 जुमला मौला वादा करके जा जुमला सुनो ये ताबूत है ना जहां जहां से ये ताबूत गुजरे तवज्जो जहां जहां से ये ताबूत गुजरे मेरी माँ मेरी बहने मेरे जवान ताबूत पर हाथ रख के दुआ मांग ले मेरे जवानों का सेहरा बचा रहे मेरी बेटियों का सेहरा रोलिया
रही है रोना आपकी जिम्मेदारी। लफ्ज नहीं मेरे पास, जो पैरों पर जाता है, नहीं समझ आ रही, जो पैरों पर जाता है मेरे यहां। बच्चों दो मिनट के लिए रोको, दो मिनट के लिए मर जाओगे सुन के। मेरे यहां मेरे गांव में एक अंजुमन है, अंजुमन रजिया हसनपुर, सभी लोग जानते हैं सुल्तानपुर की। उसके बुजुर्गान एक लोहा पढ़ा करते थे, मुझे आज भी याद है और कभी कभी मैं पढ़ता हूं। जो ना सुनेंगे, खैमे में कासिम बने हो दूल्हा बने अरमान से, कैसे सुन रहे हो सारे? एक तरफ बूढ़ा देन में रहे, एक तरफ कथरी खैमे में कासिम बने दूल्हा बने अरमान से, सेहरे की लरिया गले मिलने लगी और आराम से जुमला सुनो मेरे मसाज कमा। जब दूल्हा कासिम बन गए, मान नहीं दूल्हा कासिम बन गए तो जानते हो, मैं नफ्सियाती जुमला पढ़ूंगा, मैं साहिर नहीं, जुमला सुनिए। अच्छा ये बताइए, दूल्हा के सर पे अमामा कौन बांधता है? नहीं बताओ ना, या साहबे औलाद हो, मेरी माँ बहने हैं, मेरे बुजुर्गान हैं, जिन्होंने अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधा, वो जानते हैं। इंसाफ से बताना मौला गाजी, जनाब कासिम के मेहंदी की कसम है, मुझे इतना बताना, सर पर पगड़ी सर पर अमामा कौन बांधता है? या चचा बांधे या बाप है ना, यही तो होता है। जैनब ने भैया को बुलाया, हसन को आवाज दी, हुसैन को बुलाया, हुसैन आए, भैया मिलकर देखा, भैया का मामा लाया गया। एक बार हुसैन ने देखा, कासिम तू जा रहा है, हसन याद आता था, कासिम तू जा रहा है, हसन याद आता था, कासिम तू जा रहा है। इमाम ने मामा खोला, मेरे तब देखा, इमाम ने मामा खोला, पीस से फाड़ा। जैनब ने पूछा, माँ जाया क्या कर रहा है? कहा ये जिंदगी में कमाल होगा, कफन पहना रहा, कफन पहना रहा, कफन पहना। टाइम नहीं बना और पड़ता, बस अब आपके सामने सुन सकते हैं। रास्ता दो, सकीना का चचा आ रहा है, रास्ता दो, हुसैन का चचा, रास्ता दो, सहरा की तमन्ना, उमर भरी। रास्ता दो, रास्ता दो, राजी कथा हो, राजी कथा हो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, तो जुमला कहने दो, कदम सामने संभालना, कदम बहुत संभाल के रखना, जुमला कहने दो, राजी कथा हो, राजी कथा हो, राजी कथा हो, संभाल के सुनना। रास्ता देते जाओ, रास्ता देते जाओ, लैला के चादर का महाजीर, लैला के चादर का महाजीर, उन्ने फरवा के चादर का महाजीर, अब्बा हुसैन को गैर, अली अकबर का भरोसा, अब्बा लैला ने अजीब जुमला कहा था, ओ भैया जब मैंने सुना था मेरी चादर लुट जाएगी, मैं कहती थी मर जाया जिसका था जैसा, लुट गई अली की बेटी, बस बस सुनो सुनो, अब एकदम खामोश हो जाओ। नहीं थोड़ी देर मेरी बात पर गौर कर रहा था, आपको मौला हुसैन का रास्ता गवारा लेके जाना, लेकिन खामोशी से जब मेरा जुड़ना सुनना तब रोगा, इसलिए कि करबला में इससे छोटा कोई नहीं था। बस जुड़ना मुझे कहने दो, मुझे पूरा मसाइल नहीं पड़ा। जब शीरीन को सुना सुना, जब शीरीन को इमाम ने आजाद किया था, तो शीरीन ने कहा था मौला जा तो रही,
लेकिन मौला वादा करो आऊ नहीं रोना था सुनो मौला वादा करो जवाब ने सुनना था शरीर जा तुझसे वादा करता हूँ लेकिन तू वादा करके मुझे पहचान लेना तू वादा कर सुनना सुनो क्या करे अच्छा मुझे वाकया नहीं पढ़ना सुन काफिला पहुंचा दरबार में जाने लगा फौज दरबार में जाने लगी बीबियां जाने लगी शीरीन ने बहुत आखिरी आखिरी मिनट में तक शीरीन ने चुना था एक सिपाहियों इजाजत दो ये सर भी मैं थोड़ी देर रख लूं सुबह ले लेना कोई बात नहीं जुमला सुनना आप लोग रास्ता दे दो ड्राइवर से थोड़ा सा रास्ता दे दो ये ताबूत संगत चले जाए मैं आपको जुदाए खैर से हाथ को लगाते जाओ हुसैन के घर वालों का जनाजा है हाथ लेते जाओ हुसैन के अकबर का जनाजा है हुसैन के अकबर का जनाजा तवज्जो तवज्जो आखिरी जुमला सुनो बस आखिरी जुमला सुनो जानते हो क्या होगा मेरी तरफ जुमला सुनिएगा एक मर्तबा का सरों को उतारो सर उतारे जाने मेरी तरफ सर सारा मजमा सर उतारे जाने लगे कभी हबीब और मोहम्मद कासिम अकबर जौन हुसैन शीरीन ने छोटे सर को देखा का इसे संभाल के उतार कहीं मजमे में इसकी माँ देख न रही हो मर जाएगी यह है गहवारा लामने वक्त में गुंजाइश नहीं मैं नारुज करता पदादारों का साथ नहीं दूंगा सुन सकोगे बर्दाश्त कर पाओगे पहले ताबूत को अंदर ले लो ताबूत अंदर ले लिया आपने अब जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है आमादा हो जाओ अकबर जा चुका और मोहम्मद जा चुके कासिम जा चुके अब्दुल्ला जा चुके हाय 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 जैनब थक के बैठ चुकी है नहीं रोता मुझे नहीं पता कैसे मातम करोगे जैनब थक के बैठ चुकी एक आवाज आई हुसैन मिन्नी वला मिन अल हुसैन हाय हाय हुसैन मेरा एक आवाज आई अल्लाह कुतल अल हुसैन सुना तो बर्दाश्त कर पाओगे बस आखिरी जुमला आखिरी जुमला आजादार आखिरी जुमला तारीख में लिखा हुसैन खेमे में हाँ जैनब क्या बात मजा आया असगर भी शहीद हो गया अब सुना सुनोगे इतना रोए हो ना उस पर रोना जो कभी शाम में रोती बैठ के अकेले जो संदान में कभी अकेले बैठ के रोती है जो मजमे में रोती है जो करबला में आके सहरा में रोती है जैनब कहती है भैया किस जमीन पर आए हो कोई बीबी की आवाज संभाल के संभाल के संभाल के बस दो जुमले बोलूंगा तारीख में जुमला लिखा हुसैन दोस्त तैयार करके लिया बस आखिरी जुमला अलैक मिन्नी सलाम तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम जुमला सुन लेना तुम हुसैन का आखिरी का आखिरी सलाम जुमला हो गया बात खत्म हो गई आखिरी जुमला सुनना एक बार तो हुसैन बाहर आए जुमला हुसैन बाहर आए खेमे से चाहते कि सवार हो कोई सवार करवाने वाला नहीं मुझे पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं जैनब ने सवार किया घोड़ा को हुसैन ने लगाए घोड़ा है जो बचता नहीं रोगे नहीं रोगे इतना रोगे बीवी को खाली हाथ ना पलटाना जानो क्या किया जानो क्या हुआ घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुसैन ने लगाए घोड़ा आगे नहीं बढ़ता एक मतलब हुसैन ने कहा ये मेरे रस्ते का बाबा मैं जानता तू अब्बास को लेके गया तू अकबर को लेके गया तू कासिम को लेके गया तू न मोहम्मद को लेके गया तमाम अंसार तेरी पुश्त पर गए हैं मुझे पता तीन दिन का भूखा प्यासा है एक मरतबा हुसैन की तकरीर मतलब हुसैन की तकरीर सुना घोड़े की गर्दन हिलने लगी हुसैन ने हुसैन की तकरीर सुना घोड़ा लादा बांधाम होने लगा हुसैन तकरीर करते जाते थे घोड़ा रोता जाता था हुसैन ने देखा जमीन का बनाता हूँ पूछा तू क्यों रो रहा है यार नहीं सुनते तो मैं क्या करूँ भैया भैया सुना तू क्यों रो रहा है मौला बात ये नहीं है उनके ले जाने में बात और थी आपके ले जाने में बात और क्या बात है बताऊं बस इसके आगे मैं नहीं कहूंगा ताकत नहीं है जुमला सुनोगे कहा बताऊं बताऊं कहा मौला न कदम बढ़ता है नहीं सुनोगे नहीं तो ऐसे बात हमने कल अभी भी आई है रुमालों को फैला के आई है
मुताबिक किबला के हक में अलविदाई का नाम से पहले ऐलान करना चाहता हूँ कर दो मरा का है सर उसके पिल्डर
ये आवाज अगर वहां तक जा रही है, गुजारिश है कि आप घोषणा और ताबूत से आने का जगह दे दो ताकि जल्द से जल्द अंदर के वहां आने का सिलसिला शुरू किया जा सके। शबीर घोषणा और जश्न ताबूत को आप लोग यहां तक का आने में बुराई तरह मदद करें ताकि उसके बाद सीधासदी और महाकाली का सिलसिला किया जा सके। ताबूत को यहाँ बरामद होने दें, उसके बाद मस्जिद अल्लाह वहाँ खाली करेगी और मोमिन के लिए मस्जिद का इस्तेमाल है। बराए करम आप लोग मस्जिद रोज फरमा के जाए, रात भर सुबह ताबूत के लिए इजाजत का इस्तेमाल होगा। नजाकत को समझे, आप माहौल को समझे, बड़ाई तरह ताबूत को सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। इंतजामिया से गुजारिश है कि बड़ाई तरह सबसे ज्यादा ताबूत यहाँ पे है।
हुसैन की बनाज करूँ शाह हुसैन
Hey!
Oh,
I'm going to go to the hospital.